नमस्कार दोस्तों, आल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, ध्यान से देखना और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकाल लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना है क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भैया मैं कल से देख रहा हूँ यार, रैंक पुश का टाइम चल रहा है, बंदे इतना मैसेज कर रहे हैं, बैंड बजी पड़ी है भैया, पूरा इंस्टाग्राम भर के दे दिया है। मतलब इतना इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहा है कि पूछो ना, दिमाग का दही हुआ पड़ा है। वहां हर बंदा यही बोल रहा है, उत्तम भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, अपडेट आ गया, अपडेट आ गया। मैं भाई तो कल से यार 15 बार कम से कम चेक कर चुका हूँ। मैंने कहा भाई मेरे ही फोन में क्या ग्लिच है, क्या यार कौन सा अपडेट आ गया, कहां पे आ गया। बंदे जिसे देखो वही मैसेज कर रहा है, भाई अपडेट आ गया, अपडेट आ गया, अपडेट का वीडियो बनाओ, अपडेट आ गया। अरे भाई खुजली कर दी यार बंदों ने, अपडेट आ गया कहां पे आ गया। फिर मैंने 2-3 बंदों से बात करी, हमने कहा भाई अपडेट आया कौन सी वेबसाइट पे, एपी के भाई मुझे भेजो जरा, ठीक है। तो उसने मुझे भेजा, जब भाई मैंने देखा उस वेबसाइट को तो भैया क्या ही बोले यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई आज कोई नहीं नशा किया, मैं ही नशा किया हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पहले कर लेना चाहिए था। भाई बंदे जानते हो कौन से अपडेट के बारे में बात कर रहे थे, ये किस यूट्यूबर ने बनाया भाई मुझे नहीं पता, ये वीडियो किसने बनाया कि अपडेट आ गया है, मगर जिसने भी बनाया भाई बहुत सस्ता नशा करता है, इतना तो मैं पक्का बता सकता हूँ 100%। भाई वो अपडेट जानते हो 20.1 वाला, 0.20.1 वाले अपडेट को ये लोग अब दिखा रहे हैं। अरे भाई ये किसने न्यूज फैलाई है मुझे नहीं पता चल रहा है, भाई जमाने का अपडेट आ चुका है। इस अपडेट को आए हुए इतना टाइम हो चुका है ना कि भाई अब उस वीडियो पे शायद व्यूज भी नहीं आते होंगे, जितना ज्यादा टाइम हो गया इस अपडेट को आए हुए। और भाई पता नहीं किसने उस वीडियो को दोबारा बना दिया है, और भैया दनादन मैसेज इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं यार। मैं मतलब साला रैंक पुश कर रहा था उसको भी नहीं करने दे रहे, मतलब हर 10 मिनट में साला 1-2 मैसेज आता है, जो मतलब पर्सनल दोस्त है वो तक मैसेज कर रहे हैं कि भैया अपडेट का वीडियो बनाओ, अपडेट का वीडियो बनाओ। अरे भाई हम अपनी जेब से अपडेट दे दें क्या, जब पबजी वाले अपडेट नहीं दे रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये बताओ। जब वो अपडेट देंगे तभी तो हम अपडेट का वीडियो बनाएंगे ना, अपडेट आया ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता है किसने बनाया है, मगर मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा था कि भैया टेक्निकल गुरुजी ने भी अपने वीडियो में बना दिया है। मतलब इतने बड़े यार यूट्यूबर होके मतलब ऐसी गलत न्यूज देते हैं यार, मतलब कुछ भी मतलब बड़े हो गए आप, चलो ठीक है मान लिया, तो यार कुछ भी मतलब कोई न्यूज दे रहे हो उसकी पहले सच्चाई जान लो, वो अपडेट कब आया उसके बाद बताओ। मतलब साला अपडेट आया जमाना हो गया, तुम वीडियो बना रहे हो एक जमाने बाद उसको, और खुद तो कभी कमेंट पढ़ते नहीं हो। यहाँ तो भैया जब कमेंट आते हैं तो उनको रिप्लाई करना पड़ता है, ना करो तो बंदे मुंह फुला लेते हैं, उनको लगता है भाई एटीट्यूड आ गया, हम लोग छोटे लोग हैं दिक्कत आती है, सबकी बात सुननी पड़ती है। लेकिन बड़े लोगों को भाई कोई कुछ नहीं कहता, वो 100 गलतियां करें माफ हैं, लेकिन हम लोगों से अगर एक गलती आधी गलती भी हो गई ना तो भैया ऐसा लगेगा कि 7 खून हमने कर दिया, आज ही फांसी हो जाएगी हमको। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो जितने भी लोग अफवाहों पे दौड़ लगा रहे हैं कि भैया अपडेट आ गया, अपडेट आ गया, इधर उधर के फालतू वाले एपीके डाउनलोड कर रहे हैं, तो मत करो मेरे भाई, उनसे कहीं आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई फालतू का सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड हो जाए जो तुम्हारा पैसा ही सब उड़ा दे, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो इससे सावधान रहो, कोई अपडेट नहीं आया है, ना ही पबजी लाइट का आया है, ना ही किसी और चीज का आया है, ठीक है। अगर अपडेट आएगा पबजी लाइट में आएगा या पबजी लाइट बीटा में आएगा, ठीक है, तो तुम्हारा भाई तुम्हें बता देगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग तुम्हें अर्जी फर्जी बता रहे हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इससे ये मतलब नहीं होता है कि वो बंदा सही ही बता रहा है। आप लोग खुद से दिमाग लगाया करो कि बंदे ने जो न्यूज़ दी है वो सही है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी न्यूज़ को ही दोबारा से फिर से डाल देते हैं और उस पर वाट लगा देते हैं दूसरे की। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो आधा वीडियो देख के ही चले जाते हैं, उनको लगता है अपडेट आ गया, भाई देखते हैं जाके अपडेट में फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह की गलत फहमियाँ होती हैं, तो भाई इस तरह की गलत फहमी जो भी फैला रहा है भाई उससे बोल दो, भाई ऐसा मत कर यार, क्यों दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो भी लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं उनसे बोलो कि कोई अपडेट नहीं आया, टेंशन ना लो, अगर कोई अपडेट आता है कुछ भी होता है तो मैं बता दूंगा, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ बात रही इंस्टाग्राम पे, तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज तभी करना या पिक तभी भेजना जब सच में अपडेट आया और आपने उसको खुद यूज किया हो, ऐसे मत भेजना मेरे भाई, डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है, क्योंकि फालतू में हमें बार बार गेम ओपन करना पड़ता है, वेबसाइट चेक करनी पड़ती है, 100 चीज़ें चेक करते हैं, बाद में 10 घंटे का टाइम बर्बाद किया, उसके बाद में पता चला कि अल्ले कुछ नहीं है, 1 घंटा फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे थे।
तो ऐसा कुछ मत किया करो, कोई भी चीज़ भेजा करो तो उसको एक बार चेक कर लिया करो मेरे भाई। आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने, आज सुबह मैंने देखा बहुत सारे लोगों का मैसेज पड़ा था और बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे कल से मैसेज आ रहा था, जो मैं कल ऑनलाइन नहीं आया था, रात में आया था, तब मैंने चेक किया बहुत सारे लोगों का मैसेज था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को तो वहीं पर रिप्लाई कर दिया था कि भाई ये फेक है। लेकिन भैया कुछ बंदे प्रूफ लेके आ रहे हैं, भैया प्रूफ भी दिया करो तो थोड़ा सॉलिड वाला दिया करो यार, नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। अगर आएगा तो हम लोग बता देंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई भी जानकारी दे, जब तक आपको कंफर्म ना हो तब तक उस पर विश्वास ना करें। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गया है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले।